फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद ममता। दोस्तों, मैं आज आपके साथ लौकी से बनने वाले बेहद स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि न केवल स्वादिष्ट है बल्कि खाने में भी सुपाच्य है। जिनको कुछ हल्का खाने का मन हो वो लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताते रहिए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसे लगते हैं। तो देर नहीं करते हैं, मैंने यहाँ पर ये एकदम नरम ताज़ी मुलायम लौकी ली है। इनको मैं सबसे पहले छील लूँगी और फिर इनको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर ये प्रेशर कुकर को गर्म कर लिया है और इसमें मैं ये देसी घी डाल रही हूँ। इन घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैं ये जीरा डाल रही हूँ और जब जीरा इसमें चटकने लगेगा तो फिर मैं जो लौकी को हमने कट किया था उन लौकी को हम इसमें डाल देंगे और फिर इन लौकी को हम अच्छे से चला कर फिर यहाँ पर मैं ये नमक डाल रही हूँ। इन नमक को इसमें डालकर मिक्स करके हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और 2 से 3 सीटी आने तक हम इनको अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि हमारे लौकी जो हैं एकदम से सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर मैंने ये 1/2 कप नया चावल लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप नया चावल ही यूज़ कीजिएगा। इनको अब हम अच्छे से धुलकर पानी में भिगा देंगे। कुकर यहाँ पर अब ठंडा हो गया है तो अब हम इनको खोल लेंगे और फिर हम यहाँ पर इन लौकी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये लौकी एकदम से सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल ही पक गई है। तो अब हम इनको यहाँ पर हमने ये मैशर लिया है, इन मैशर से इन लौकी को हम अच्छे से मैश कर देंगे। यहाँ पर मुझे ये जो लौकी है एकदम घुटी हुई लौकी चाहिए, बिल्कुल ही एकदम से सॉफ्ट और मैशी लौकी चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मैशर का यूज़ कर रही हूँ। और फिर अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो ये चावल को पानी में भिगाया था उन चावल को मैं इसमें डाल दूँगी और यहाँ पर हम इनको पकाने के लिए बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से इसमें पक जाए। फिर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और 1 सीटी आने तक हम इनको प्रेशर दिला देते हैं। 1 सीटी आने के बाद मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और अब ये कुकर ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये चावल देखिए इसमें अच्छे से पक गए हैं। तो अब यहाँ पर हम इन चावल और लौकी को अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर हम मैशर नहीं यूज़ कर रहे हैं, बस इस कलछुल से ही हम इनको चारों तरफ ऐसे चलाते हुए अच्छे से इन चावल और लौकी को आपस में मिक्सअप कर देंगे, मैश कर देंगे। जब अच्छे से मैश हो गए हैं तो अब हम इन्हें एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर इस बोल में पूरा उजी नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जल्दी से सर्व करना था। तो अब हम इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा करके जब हम इनको सर्व करेंगे ना तो इसका स्वाद जो है वो और भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, बहुत लोग को ये ऐसे ही पसंद आता है और कुछ लोगों को इसमें दूध डालकर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो आप इनको दूध डालकर भी सर्व कर सकते हैं और बिना दूध डाले भी सर्व कर सकते हैं। इन औजी के साथ आप आलू गोभी या आलू टमाटर की सब्जी ज़रूर बनाइए और फिर इनको सर्व कीजिए। आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको कौन वाली औजी ज़्यादा पसंद है, दूध वाली या बिना दूध वाली। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।